नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में। तो देखिए कितना तबाही मचा हुआ बाढ़, और हम लोग आए हैं ये बाढ़ शिविर के लिए। तो हम आ चुके हैं, देखिए किस तरह से घर को गिरा दिया गया, गिरा दिया है पानी ने। और रोकिए रोकिए, राम 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 से राम से, देखिए कितना क्षति पहुंचाया है। और हम लोग आए हैं यही राजपुर में ये पैकेज बांटने, जिसमें एनसीसी, एनएसएस और एबीवीपी के अध्यक्ष और भी जिला समिति के लोग हैं। तो हम दिखाते हैं आपको यहाँ का नजारा कैसे कैसे चल रहा है। अभी बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ का, अभी भी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए जिला समिति हमारे एबीवीपी के हैं, और ये हमारे कमिश्नर जी दिखा रहे हैं पानी का बॉटल। ये देखिए ये भी जा रहा है, पानी का बोतल दीजिए, आगे बढ़ाइए आगे आगे बढ़ाइए। यहाँ देखिए, वाह, ये देखिए कितना भयावह स्थिति है नदी का और रोड का। और देखिए बोट का मजा लेते हुए कुछ आदमी, हाँ साइड कीजिए, हो साइड कीजिए भैया साइड कीजिए। ये देखिए बहुत ही अजीब स्थिति है, कहाँ कहाँ क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये है मधुकल गांव, काफी खराब स्थिति है यहाँ पे, पानी वानी सब घुसा हुआ है। के लोगों का कितना जवाबरा हो चुका है यहाँ पे। और ये हमारे दिव्यश जी हैं, जिला संयोजक खेलो भारत प्रमुख सीतामढ़ी, एबीवीपी का अध्यक्ष है अभी। और ये देखिए किस तरह से बाढ़ हमारे क्षेत्र को क्षतिग्रस्त किया हुआ है। देखिए काफी विचित्र स्थिति है वहाँ ऊपर, देखिए यहाँ देखिए सब।
जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी नजर आएगा आपको। पुल पे भी चाहिए था। ये देखिए क्या स्थिति क्या हुआ है। ये हमारा बढ़ता हुआ बिहार, ये है हमारा बढ़ता हुआ बिहार। और देखिए बिहार की स्थिति, जो बाढ़ में दहा हुआ बिहार है। देखिए ये मुर्गी फार्म का हाल है, जिसमें एक भी मुर्गी नजर नहीं आ रहा है। जाइए बढ़ा के, चलिए बढ़ ले। ओ सजाद भैया, हम सब छी आई। काफी स्थिति खराब है इस जगह का। देखिए पूरा रोड का, रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया पानी ने, और अभी भी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पानी बहुत हद तक कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। रुकाओ भैया, आतंका पीछे ले ला हल्का सा। दाहिने लेके, दाहिने 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 दाहिने। पूरा देखिए घर का क्या स्थिति है, पूरा तोड़ फाड़ दिया है इसको। ये देखिए ये बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ का। स्थिति इतने दयनीय है कि कहाँ नहीं जा सकता है कि क्या। दाहिने लेके दाहिने, ये देखिए रोड का स्थिति कैसा है। दाहिने दाहिने बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ का। ये सब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। ये देखिए नीचे, आगे भी सब जगह ऐसी स्थिति है। अच्छे से बिल्डिंग का कैसे कैसे हाल करके रखा है इस बार ने। चला चला आप अच्छा, पानी डाल मत चुका है, पानी कहीं नहीं है। इधर है, इधर इधर चलिए, इधर 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 चलिए, आगे चलिए, थोड़ा आगे चलिए, इधर पानी, इधर चलिए। देखिए रोड पर तक पानी आया हुआ है, आप लोग परेशान हुए हैं। दवाई है। देखिए ये अभी भी पानी है रोड पे, बीच पकड़ के इधर घुसिए, घर घर में दीजिए, इधर ये देखिए यहाँ भी पानी है। ये स्कूल के बगल में भी पानी है। हट जा, वो हट जा, हट जा, देखो देता हूँ तुमको।
अरे स्कूल में सब स्कूल में क्या हुआ है, स्कूल में कम्युनिटी डिवीजन चल रहा है, ऐसा काम खोजो लोग कौन नेता भी मिलो की बात है। चला साइड चला बस बस रोक ले सजाद आग हल साइड में साइड में साइड में रोक के साइड में देखिए लंगर भी चल रहा है यहाँ पे। देखिए देखिए कम्युनिटी किधर भी चल रहा है। देखिए यहाँ पर सब बच्चे खा रहे हैं दाल भात। देखिए दाल भात सब्जी चल रहा है पूरा स्थिति। मोटरसाइकिल वाला रास्ता में इधर इंडियो बार पर है। ये देखिए कमेश्वर और दिलीप जा रहे हैं। देखिए नदी का स्थिति काफी खराब है और पानी का स्तर और बढ़ता ही जा रहा है। ये एक तो ठीक है ये बात बोरा सबको पैक किया जा रहा है। बिल बनेगा सर, सबका बिल बनेगा, सबका बिल बनेगा। ये देखिए ये लाइट चार्जिंग में लगा हुआ है, यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ है। देखिए कितना खराब स्थिति लगा चुके हैं क्षेत्र में, जहाँ पर उनका लोग अपने घर छोड़कर यहाँ पे बैठे सब धरना कर रहे हैं। देखिए दौड़ रहा है। देखिए क्या गजब नजारा है भाई, ये तो प्रलय आने के लिए काफी है। नदी का पेटी है तो पानी इधर नहीं आएगा तो किधर आएगा। चला चला
बैठे सीधे कंका साइड हो जाइए यार हाथ रुक जा फूल भी डलाएगा सब जगह हम लोग मतगौल बांध टूटा वहाँ जा रहे हैं मतगौल बांध जहाँ टूटा वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग एंकर स्थिति थी अरे लाइन लगा ये देखिए भैंसी बकरी भी यहीं पे बांधा गया है इस बांध पे ही है तो बांध पे यही घूम रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जगह पे जहाँ पे हम लोग को देना चाहिए था उन सारे जगहों पर तो गाड़ी पहुंच जाती थी और मिल जाता था हम लोग को लेकिन यह ऐसा जगह है कि गाड़ी अब बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाती है और देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर बकरी देखिए अंतोगत्वा ये लोग भैंसी को भी नीचे करने में सफल हो चुके हैं माथा नीचे कीजिए अंदर आओ अंदर चले आओ सामान साइड हो जा चाची फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वितरण कार्य हमारा संपन्न होगा और देखिए यहाँ पे हम लोग सेटअप लगा रहे हैं अपना और ये हमारे गौरव जी हैं जो भी बाढ़ हाथ करने में सहयोग कर रहे हैं सब का ये हमारे दिलीप जी हैं
कूपन है बाबा चावल एक दिन लगले एक दिन सात टेंगी पर लात के लेके ले जाई बिजी हमें क्यों ना घर दूध लेके आवल यो मोटर साइकिल लगे हो भाई तू जा ना मोटर साइकिल लगे बोले हैं हमको इन डाली हम बोले ये अपना खुशी से बांट रहे अपना यहाँ ठीक है ले लो अपना लाइन में रहिए सबको मिलेगा
वीडियो बना रहे हैं।